कि अब रोमन के टाइटल जाने वाले हैं क्या? रोमन की अब हर जगह पिटाई देखने को मिलेगी क्या? अब कहीं भी सोलो मैच में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा और रूसोस का साथ कौन खड़े होंगे? तो जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो आपने देखा कि ब्लडलाइन पूरी तरह टूट गई है और रोमन की रूसोस ने पिटाई भी कर डाली और ये रोमन का अहंकार ही है जिसके कारण ये सब हुआ है। भले ही रोमन कह सकते हैं कि वो अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं और इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें ही धोखा मिल रहा है, लेकिन गहराई में जाया जाए तो ब्लडलाइन के टूटने का कारण रोमन रेंस का गुस्सा, जिद और उनका अहंकार है। जैसा अभी चल रहा है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब वो पूरी तरह से WWE में तबाह हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होंगे। एक कहावत है, अहंकार, जिद और गुस्से से किसी का भी भला नहीं होता, ये किसी को भी डुबा सकता है। रोमन रेंस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और उनका अहंकार उनके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो गया, इसी वजह से चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। सोलो और पॉल हैमन भी रेंस का साथ छोड़ सकते हैं। रोमन रेंस को जरूरत है इस समय थोड़ा समय दिखाए और एक बार फिर अपने परिवार को एक करने की कोशिश करे और रूसोस से माफी मांगे। उन्हें अपने भाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनके साथ की वजह से ही वो इतने समय तक डोमिनेट करने में कामयाब हुए। अब देखना होगा कि द ब्लडलाइन की स्टोरी में अगला मोड़ कौन सा होता है और क्या रेंस एक बार फिर ब्लडलाइन को साथ लाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और जो सुपर शो में रोमन और रे मिस्टीरियो का मैच हुआ था उसमें सोलो उसमें इंटरफेयर कर देता है, तभी वहाँ उसोस आ जाते हैं और सोलो को पीट पीट कर वहाँ से ले जाते हैं। और आज रोमन हार सकता था लेकिन मिस्टीरियो उस औलाद ने उसे जीतने ही नहीं दिया। तो भाई आपको क्या लगता है, रोमन के टाइटल उससे कब दूर हो जाएंगे? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।